बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑनलाइन लाइव ईसीएम ट्रेंड, ये 1763 ईसीएम है, ठीक है, और रिपेयर को आया है। कहीं पहले इसमें जो प्रॉब्लम थी वो रीड राइट नहीं हो रहा था, ये ठीक है, इसमें सीपीयू रीड नहीं हो रहा था। लेकिन जब इसे मशीन पे लगा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इसके अंदर बोर्ड में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। किस तरीके से, ठीक है, इसमें ये हमने कपलर लगाया, ये कपलर लगा दिया हमने। कपलर लगाने के बाद ऑन किया तो इसमें ग्लैड वगैरह नहीं चली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा मैटर है सामने जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि देख रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.05 एम्पियर आ रहा है, और जबकि इस तरह का जो 1755 है, 1763 ईसीएम होता है, इसमें ये लगभग 30 से 40 के बीच में रहता है, बल्कि 35 के आसपास में रहता है। ये 35 के आसपास में यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, 35 के आसपास में। जैसे मैं दिखाता हूँ दूसरा ईसीएम लगा के, अभी दूसरा ईसीएम लगाता हूँ, ये ईसीएम लेता हूँ, 1763 है ये भी, ठीक है। और इसको बंद किया, इसे हटाया, और ये दूसरा ईसीएम लगाया है, हम दूसरा ईसीएम ही लगा रहे हैं। ठीक है जी, और ऐसा ऑन किया हमने, ऐसा ऑन किया, इसमें खर्च। और अब मशीन पे देख रहे हैं, देखिए 35-33 के आसपास दिखा रहा है, 0.33। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इतना है तो इस बोर्ड में 48 बोल्ट सप्लाई वगैरह वगैरह सब सही होंगी, क्योंकि ये सब तरफ का ये लोड है, ठीक है। और जबकि इससे पिछले वाले में ये 5 दिखा रहा था। तो हम दोबारा उसी ईसीएम पे जाते हैं, ठीक है, ये हटा दिया है, और दोबारा फिर इसी वाले ईसीएम को लगा दिया हमने। और लगाने के बाद एक बार फिर देख लीजिए इस पे क्या आ रहा है, और ये ऑन किया मशीन को, 0.5। इसको मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो ये 5 बोल्ट वगैरह नहीं बनना है इसमें, 5 बोल्ट 6 बोल्ट, या सप्लाई आईसी में शॉर्टिंग हो सकती है, या सप्लाइयाँ नहीं बन रही हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पूरे बोर्ड में सप्लाई नहीं जा रही है। बहुत बोर्ड का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसे सप्लाई रिसीव ही नहीं हो रही है। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो इस ईसीएम को खोलते हैं, ठीक है जी। अब इसे हम सबसे पहले सप्लाई देते हैं, इसको हमने सप्लाई दे दी है, ठीक है। और सप्लाई देने के बाद सबसे पहला का जो काम है, सप्लाई देने के बाद आप चेक करिए, सबसे पहले यहाँ पर इस जगह पर 3 पॉइंट, यहाँ तो 12 वोल्ट भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट होने चाहिए, एक सेट में 3.3 वोल्ट होना चाहिए और एक सेट में 12 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर इन कैपेसिटर पे देखें, ये 5 वोल्ट बनाते हैं ये वाले, तो ये कैपेसिटर भी 5 वोल्ट नहीं बना रहे हैं, 5 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ 5 वोल्ट होना चाहिए सेंसर के लिए, इस वाले पे भी 5 वोल्ट, इस पे भी, और यहाँ 6 वोल्ट होना चाहिए। तो ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी बोल्ट शो नहीं हो रहा है। अब क्या है, सप्लाई हमने बंद की, सप्लाई बंद कर दी है, और मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी की रेंज पर, अब हम ये चेक करते हैं कि शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पर हमने रखा है ये प्रॉब,
और दूसरा प्रॉब जो 12 वोल्ट लाइन है, देखिए 12 वोल्ट है ये, यहाँ रखा, तो फिलहाल इसमें 12 वोल्ट तो शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। ये यहाँ पर इस पर शॉर्टिंग दिखा रहा है ये, और ये 6 वोल्ट सप्लाई है, 6 वोल्ट यहाँ से आउट होगी और यहाँ पर भी होगी, ये भी है। अब ये शॉर्टिंग हो गई, 6 वोल्ट सप्लाई है जो यहाँ से आउट होती है, और इस पर इम्पीडेंस आ रहा है सिर्फ 3। अब इस शॉर्टिंग को हमें ढूंढना है कहाँ है। शॉर्टिंग के चांसेस ज़्यादातर यहाँ पर होंगे या फिर यहाँ का, आप यहाँ आ जाएं तो ये शॉर्टिंग यहाँ पर भी हो सकती है आपके इंजेक्टर आईसी में। यहाँ पर भी कैपेसिटर बीप की आवाज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। ये भी बीप की आवाज़ कर रहे हैं ऊपर। अब हमें शॉर्टिंग ढूंढनी है, मेन है हमें ये मालूम चल गया 6 वोल्ट शॉर्ट है, और 6 वोल्ट होता कहाँ पर है, इसकी ये वाली कॉइल होती है 6 वोल्ट, यहाँ पर भी बीप की आवाज़ आ रही है, ये सारी जगह बीप की आवाज़ आ रही है।